ये रुद्राक्ष है इसमें, ये देखो इस सीन को मुझे देख के मणि महेश जी की याद आ गई। देखो इसकी सवारी, ये देखो 10 रुपए का टिकट है। सो दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैं हूं ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर में, और मेरे पीछे है शिवजी महाराज जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। और आज मैं यहां आदियोगी और ईशा फाउंडेशन को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक और नए दिन नए ब्लॉग में, और मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बड़ा मन था मेरा यहाँ ईशा फाउंडेशन जो आदियोगी जी का बहुत बड़ा स्टैचू है वहाँ आने का, तो फाइनली भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ आप लोग भी मेरी तरह आना चाहते हैं, आप लोगों का भी सपना है, आप कभी विजिट करना चाहते हैं तो आप दोस्तों ज़रूर आ सकते हैं। आपने कैसे आना है, कैसे यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूँगा दोस्तों, इस ब्लॉग के थ्रू दूँगा। तो आपने ब्लॉग को अंत तक जरूर देखना है और शेयर जरूर करना है दोस्तों। मैंने यात्रा स्टार्ट करी थी हिमाचल से मैं दिल्ली तक बाया बस आया। बाया बस से मैंने दिल्ली से फ़्लाइट बुक करी थी जो मेरे को लेके आई दोस्तों दिल्ली कोयम्बतूर एयरपोर्ट, और वहाँ तक का फेयर है अप्रॉक्सीमेट 10,000 के करीब करीब 10,000 के करीब करीब 6,000 to 10,000 के करीब अप्रॉक्सीमेट यहाँ का फेयर है। और आप लोग दोस्तों बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन यहाँ का फेयर रहेगा 3,000 से 4,000 या 2,000 से 3,000 तक का यहाँ का किराया रहेगा। और टाइम लगेगा आपको बाई ट्रेन 2 दिन, और बाई एयर आप आते हैं तो आप 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाओगे दोस्तों। और जब आप कोयम्बतूर पहुँचते हो तो कोयम्बतूर में आप रुक भी सकते हो, कहीं आप अकोमोडेशन या होटल ढूंढ रहे हो तो आपको मिनिमम 900, 1,000, 1,200, 1,500 इस रेट में सारे होटल अवेलेबल हो जाएंगे। और जब आप ईशा फाउंडेशन आते हैं दोस्तों तो आपने बाई टैक्सी आना है, बाई ऑटो आना है, तो आपका किराया लगेगा 1,000 रुपये। और अगर आप बाई बस आना चाहते हैं दोस्तों तो आप आना है गांधीपुरम, गांधीपुरम के बस स्टैंड है वहाँ, क्योंकि गांधीपुरम से यहाँ तक का किराया 50 रुपये है। और बहुत सारे लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। तो आज है संडे और ऊपर से यहाँ है पोंगल फेस्टिवल जो तमिलनाडु का काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, तो उस वजह से काफ़ी क्राउड था दोस्तों। जैसा आप देख भी पा रहे हैं बहुत लंबी लाइन लगी थी, और अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे लाइन में लगने के बाद मुझे बस मिली। और बस में बैठने के बाद दोस्तों बहुत सारे केले के बाग बगीचे और नारियल के बगीचे देखने के साथ साथ ही सफ़र हमारा मेरा ख़त्म हुआ। और तब मैं पहुंचा यहाँ भोलेनाथ की नगरी ईशा फाउंडेशन, जो सदगुरु जी यहाँ के फाउंडर हैं। और यहाँ ईशा योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाई जाती है, सब कुछ प्रोग्राम इनके रहते हैं। वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी दोस्तों। ये देखो दोस्तों इधर वाली साइड आपको पहाड़ मिलेंगे, और यहाँ ये नारियल के बगीचे, ये सारी पार्किंग है। और पार्किंग का रेट अगर 2 व्हीलर आपके पास है तो 30 रुपीज़ है, और अगर बस या कोई बड़ा व्हीकल है तो उसका 50 रुपये के अप्रॉक्सीमेट है। और यहाँ आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं इस वाली साइड दोस्तों। बाकी चलते हैं आप स्टैचू के और नज़दीक, भोलेनाथ के और समीप, और वहाँ से दिखाते हैं आपको। और आइए चलते हैं दोस्तों। और यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, फॉरेन से भी काफ़ी लोग विजिट करने आते हैं। और महाशिवरात्रि में यहाँ काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है दोस्तों, बोलते हैं कि यहाँ रुद्राक्ष की वर्षा करते हैं सदगुरु जी, तो उस दिन तो यहाँ नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम होता है। और मौका मिला तो वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि शिवरात्रि कुछ ही टाइम बाद शिवरात्रि है। दोस्तों यहाँ गर्मी इतनी है ना कि पैर जल जा रहे हैं, और अभी तो जस्ट जनवरी महीने स्टार्ट हुआ है, सोचो कि आने वाले महीनों में कितनी गर्मी और हो जाएगी। और मैं और करीब से जा रहा हूँ दोस्तों मूर्ति आपको दिखाने, और बड़ा क्राउड है आज ड्यू टू संडे एंड पोंगल, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, तो सभी लोग फोटो खिंचाते हैं। हाँ अद्भुत।
और ये जो भगवान भोले शंकर के गले पे आप माला देख रहे हैं दोस्तों, ये रुद्राक्ष है इसमें, ये देखो रुद्राक्ष की माला है। रूप कितना मेहनत की है स्टैचू बनाने के लिए, और कानों में आप देख सकते हैं, ये देखो ऐसे वाले मेटल के मुझे लग रहे हैं ये कुंडल है। और इस सीन को मुझे देख के मणि महेश जी की याद आ गई, देखो ऐसा लग रहा है कि कोई मणि चमक रही है, सूरज की किरणें जब थोड़ी सी स्ट्राइक हो रही है तो ऐसा कुछ लग रहा है। जय शंकर महाराज। तो ये बैक साइड से कुछ ऐसा है स्टैचू, और क्योंकि गर्मी है तो बहुत सारे लोग यहाँ दोस्तों ये देखो छांव में बैठे हैं, और बहुत सारे लोग वहां भी जा रहे हैं, वहां मैं अभी जाऊंगा लेके जाऊंगा आपको, पर पहले कर लेता हूं परिक्रमा। सो दोस्तों अभी मैं चलता हूं पीछे वाली साइड, और यहां जो मैंने जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के लिए आपको 20 रुपए का टोकन लेना पड़ता है दोस्तों, बाकी यहां कोई भी एंट्री फीस नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। पार्किंग गाड़ियों के लिए 20-30 रुपए तक की फीस है, और 20 रुपए का जल चढ़ाने की फीस है वो मान लो कि आपने एक तरफ से मंदिर में जैसे पैसे चढ़ाते हैं वैसे ही आप मान लो, तो बाकी यहाँ कोई भी फीस नहीं है, विदाउट फीस आप, विदाउट एंट्री फीस आप यहाँ घूम सकते हो, आ सकते हो। और गर्मी बेतहाशा गर्मी है दोस्तों, बड़ी बड़ी गर्मी है, बुरा हाल है गर्मी से। अभी तो जनवरी है, आने वाले फरवरी मार्च अप्रैल में तो मेरे ख्याल से यहाँ आग लग जाती होनी। और अगर आप नॉर्थ से हैं, मतलब जैसे मेरी तरह हिमाचल से हैं या नॉर्थ से हैं दोस्तों, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नवंबर दिसंबर तक यहाँ आएँ, मतलब उस टाइम विजिट करें, तब यहाँ मौसम अच्छा रहता होगा, बस अभी तो गर्मी बड़ी तेज़ हो गई है, और ऐसे चिलचिलाती धूप में बाहर घूमना पॉसिबल नहीं हो पाता है हम नॉर्थ वालों के लिए खासकर। मैं करने जा रहा हूँ या इसकी सवारी, ये देखो 10 रुपये का टिकट है, और ब्रो 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 दिस इज ऑलरेडी सो 10 रुपए का टिकट दोस्तों, तो ये हमारे को घुमाएंगे ऑल ओवर ईशा फाउंडेशन, और ज्यादा कॉस्टली नहीं है 10 रुपए का। और यहाँ देखो बहुत सारे बैल आपको दिख रहे हैं दोस्तों, और हमारे एरिया में बैल काफ़ी ज़्यादा आपको आवारा छोड़े हुए दिख रहे होंगे क्योंकि उनका यूज़ नहीं है, और यहाँ इनका यूज है तो इनकी यहाँ कदर भी है, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ काम इनसे लिया जाता है तो इनकी कदर भी, इनको खाना पाना इनको घास फूस सब कुछ डाला जाता है, इनकी केयर की जाती है। और ये देखो तो देखो एक तो अनुभव ये हो जाएगा कि आप पूरे ईशा फाउंडेशन घूम जाओगे, इको फ्रेंडली भी है, कोई पेट्रोल को डीजल का इस्तेमाल नहीं है, और बाकी ये कि इनका भी जीवन बच जाएगा, नहीं तो जब इनका यूज नहीं रहता तो लोग ऐसे ही सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो मेरे को सबसे बेस्ट बात लगी। तो दोस्तों जिंदगी में पहली बार मैंने बैलगाड़ी का सफर किया, देखो और
ये सिर्फ आने आने का सब का टिकट है, जाने का टिकट भी आपको वहां से मिलेगा। ओ देखो टिकट काउंटर, ये भी 10 रुपए का है, तो सही लगा। इससे है कि बेचारे बैलों की जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे एरियो में ऐसा है कि बैल गाय बेचारे आवारा ही, टिकट को भी यूज ही नहीं करता, ना यूज है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक घंटे बाद, और यहाँ कुछ दोस्तों अपने बैग लगेज मोबाइल फोन सबमिट करने पड़ते हैं, फिर जाना पड़ता है उस साइड। तो वहाँ मैं गया था, अभी एक घंटे बाद आया नहा धो के दोस्तों, और यहाँ नहाने का टिकट है 20 रुपए। तो आप शावर में, शावर के नीचे नहा सकते हैं, उसके बाद आप एक कुंड जैसा बना है वहाँ, शिवलिंग बने हैं उनको आप पानी चढ़ा सकते हैं, वहाँ नहा सकते हैं। मतलब वहाँ कोई भी आपने शोरगुल या तैरना वगैरह नहीं है, और उसके बाद मेडिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, बहुत कुछ है दोस्तों अंदर, बट वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। खाने पीने की वगैरह की कैंटीन है, और जूते रखने के डिपॉजिटर काउंटर है, बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत अल्टीमेट चीज़ बनाई है सदगुरु जी ने, और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं तो बेझिझक कहिए दोस्तों, और बस टाइम तो मैंने आपको बता दी कि कब जैसे आप विजिट कर सकते हैं। बाकी आज क्राउड देखो, ये देखो क्राउड, ओहो हो, जय हो नंदी महाराज की। इस बाड़े में दोस्तों सारे बैल बांधे हैं, और बोलते हैं कि मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। तो जरूर सारे जितने भी मेरे हिमाचल के लोगों को और स्टेट के लोगों को या इससे कुछ सीखना चाहिए और ऐसा कुछ काम लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में हम लोगों ने जो हमारी कृषि है दोस्तों, जो भी हमारी फसल के काम है, वो सारी डिपेंडेंसी होगी है ट्रैक्टर पे। मिनी ट्रैक्टर अब आगे हैं तो बैलों की बेकदरी तभी हो रही है। तो इस विषय में सरकार को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, और ऐसा कुछ इनिशिएट लेना चाहिए जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा यहाँ। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय हिमाचल, जय शंकर महाराज।